आज महाराज को स्मरण आया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भये गलाने मोरे सुतनाई, भये गलाने गलाने भई मन में भई। गुरु गृह गय तुरत मही पाला, गुरु गृह गय चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे चरणों में दंड विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, परिवार का दुख राज समाज का गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाए, धरहु हीर होइ हहि सुत चारी, भगत भयहारी त्रिभुवन देवी भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत गुरुदेव भगवान के श्री चरण में पहुंचकर चक्रवर्ती जी महाराज ने दंडवत किया। निज दुख पितृ ऋण से उऋण होने का निवेदन, निज दुख सुख प्रजा का सुख, प्रजा आपकी कृपा है प्रभु। चक्रवर्ती जी कितनी मर्यादा है, कितनी धर्म की धुरंधरता है। चक्रवर्ती जी जाकर ये नहीं पूछते हैं गुरुदेव भगवान आप कैसे हैं। आजकल तो जीव ओहो संस्कार तो प्रणाम कर लिया है लोगों को। हम हो के लोग फोन कर रहे थे तो पूछा था हेलो, हम कहते फोन रखो, अपने बाप को फोन करके पूछते हो हेलो, पिताजी को बोलो प्रणाम करता हूँ आप, श्री चरणों में सादर प्रणाम है। अपने से छोटे को बुलाए करो, हेलो ए ए मिस्टर, ए हेलो हेलो, ऐके बाबूजी के, ए बाबूजी हेलो हेलो ले, ये क्या है, इसको संस्कार कहते हैं। हाँ बाबूजी, चाहे जे का मिला में हेलो, ग्राहम बेल की प्रेमिका थी हेलो, उसने लिख दिया उसी पर हेलो, टेलीफोन का जो जनक है उसके प्रेमिका का नाम था हेलो, उसने उसी प्रेम में लिख दिया हेलो, पूरा दुनिया हेलो का हेलो, ये तो हालत है, जानते नहीं। जय सिया राम, तब तो फोन में पटक देते हैं, ई कहां से आवाज आवत, ऐसे तोप आ गया हो, जय सिया राम। दंडोत, अपने श्रेष्ठ को समाचार देना है, पूछना नहीं है। राजेश, श्रेष्ठ को समाचार दिया जाता है, उससे पूछा नहीं जाता है। चक्रवर्ती जी ने कितनी मर्यादा रखी, गुरु जी से पूछे नहीं, अपना सुनाए। गुरु गृह गए वो तुरंत मही पाला, क्या किए, निज दुख सुख सब गुण ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, दर उधीर सदगुरु खजाना खोल दिए। धीरज रखो महाराज, आपके एक दो नहीं चार पुत्र होंगे, आपने कामना की नहीं तो मैंने सोचा नहीं। देखो भैया, कामना तो करे के परी ना तब न परिणाम आई,
कामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सात्विक हो। कामना तो करना पड़ेगा। चक्रवर्ती जी ने इच्छा व्यक्त की, गुरु जी ने कृपा की, धरहु धीर होई है सुत, ऋषि सिंह को बुलाया है गुरु वशिष्ठ भगवान ने। वो बड़ी विशेष कथा है। यही बगल में तो मखौड़ा में यज्ञ भया है। यज्ञ भूमि कल दर्शन करते हैं, कल परसों में क्या श्रृंगेरे से वशिष्ठ बुलावा पुत्र यज्ञ भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चलो करी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध सिद्ध तुम्हारा। यह विभाते देहु ने बजाई, यह अभी जथा जोग जे भाग बनाई, जथा जोग जे भाग बनाई, जथा जोग जे भाग बनाई। ऋषि सिंह ने मंत्र उच्चारण किया, गुरु वशिष्ठ भगवान ने आहुति समर्पित की, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं मम। अग्नि नारायण वशिष्ठ भगवान के इष्ट देव हैं। अपने इष्ट में साधक को निष्ठ होना चाहिए, और चाहे भगवान का कोई स्वरूप सन्मुख आए, इष्ट के प्रति ही निष्ठ रहना चाहिए। का बरनौ छवि आपकी भलो विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो। है तो पंडित परशुराम जी महाराज के कहने पर, नहीं तो गोस्वामी जी की तो भाव सिद्धि थी। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण हो श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बोलो श्री रघुनाथ जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, इष्ट में निष्ठ रहे। अग्नि नारायण ने पायस गुरुदेव भगवान को दिया, जानते हैं ना, प्रसाद की भी महिमा है, किसके हाथ में आकर किसके पास जा रही है। इसलिए प्रसाद में कम से कम हाथ लगना चाहिए, प्रसाद का महत्व समझना चाहिए। प्रसाद प्राप्त हुआ, पाइए फ्रिज पर न डालिए कि चूहा पावे गणेश भगवान का चेला। माता लोग खास तौर से प्रसाद लेती हैं तो इतना व्यस्त रहती हैं कि दूसरे खाते हैं, यहाँ तो रहा हो कहाँ रह ले कौ ले गई। प्रसाद पाइए तो पाइए, नहीं तो प्रसाद उड़ जाएगा और अंजना मैया तक चला जाएगा। एक कथा में अंतर कथा है, मैं इसको नहीं सुनाऊंगा। प्रसाद के चार भाग भए,
एक भाग बड़ी माँ को, आधे का आधा भाग कैकेयी अम्बा को, और जो पा भाग बचा उसका दो भाग करके दोनों माताओं के कर पर रखकर महाराज को आज्ञा थी जैसी गुरु जी की कि इनको सुमित्रा मैया को दिलवाने की, तो सुमित्रा जी को दे दिया गया। प्रसाद निमित्त है, प्रसाद की महिमा समझी जाए, प्रसाद का आदर किया जाए। इसलिए हमारे श्रीवध में महापुरुष लोग भोजन नहीं कहते हैं, भोजन प्रसाद। डॉक्टर साहब के यहाँ पूज्य पिताजी आए थे, डॉक्टर संजय सिंह के यहाँ शारदा नारायण में, तो बड़ी बहू जी डॉक्टर एका सिंह ने पूछा कि बहू जी भोजन हो गया? बोले भोजन तो नहीं भैया, हो चुका था। दूसरा कोई और पूछा, खाना खाया? बोले नहीं। तो डॉक्टर साहब जब पूछे, बोले हाँ प्रसाद हुआ है, तो आनंद मूर्ति है, प्रसाद हो गया है, भोजन प्रसाद, भोजन प्रसाद। हमारे श्री अवध में महात्मा महापुरुष लोग साग प्रसाद, रोटी प्रसाद, महाप्रसाद, प्रसाद, ये जीवन प्रसाद है ना, प्रसाद। एक कथा भी भगवान का प्रसाद है, तभी तो पा रहे हैं प्रसाद। अब प्रसाद मान कर पाएंगे तभी जीवन में तृप्ति रहेगी, नहीं तो समान से तृप्ति कदापि नहीं है।